हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं एस्पिरेंट्स की। बच्चों, ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा कि तैयारी के शुरुआती दिनों में भी हो सकती हैं, तैयारी के बीच में भी हो सकती हैं, और तैयारी के बिल्कुल जब आपका एग्जाम पास आ रहा होता है उस टाइम पर भी ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। तो बच्चों, मिस्टेक्स में जनरली सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि बच्चे जो है अपना जो क्लास 11th का सिलेबस है, ठीक है, उसको मानते हैं कि क्लास 10th के आसपास ही, जबकि ऐसा नहीं होता। इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत डिफिकल्टी लेवल वाइज काफी बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। एक और जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि बच्चे फोकस करते हैं अपने इजी सब्जेक्ट पर, जो भी उनको इजी लगता है उसी को ज्यादा पढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब आपको लग, और ये सही में ही ऐसे ही होता है, क्लास 11th में आती है आईआईटी की प्रिपरेशन, मेडिकल की प्रिपरेशन करी नहीं और आपने इजी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार मोह जो होता है उसी की तरफ आप आकर्षित रहते हैं बच्चों। अगला जो कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अपना एक रूटीन जरूर सेट कर लीजिए, किसी को एज अ विजिलेंटी, किसी को यू नो एज अ इनविजिलेटर आप अपने ऊपर डंडा मारने के लिए रखिए या नजर रखने के लिए रखिए कि आपका जो रूटीन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। यस, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया एक किसी एक सैटरडे संडे को आपने रूटीन थोड़ा सा ब्रेक करके गो आउट विद फ्रेंड्स और जो भी है वो आप कर सकते हैं बच्चों। एक और जो है वो बहुत जो कॉमन ट्रेड देखा गया, क्विटिंग होता है, वो अच्छे से अच्छे बच्चा और एक एवरेज बच्चे में भी देखा गया। क्विटिंग का मतलब ये है कि भाई कई बार एग्जाम में नंबर नहीं आते मॉक टेस्ट के अंदर, तो बच्चों को लगता है कि यार इतना सब पढ़ाई किया, मेहनत बेकार हो गई, तो वो नहीं करना है। वो ठीक है, 2-3 दिन के लिए कर लो, थोड़ा सा उदास हो, थोड़ा सा गमगीन माहौल है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए कर लो, पर बहुत लंबे अरसे तक वो नहीं चलना चाहिए बच्चों। एक चीज़ ये है जो थोड़ा हायर लेवल के लिए कि नॉट एनालाइजिंग क्वेश्चन पेपर आफ्टर योर मॉक टेस्ट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार इस बात के लिए एम्फेसाइज किया, अगर आपको टॉप रैंक प्रोड्यूस करना है आईआईटी या मेडिकल के अंदर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, तो जो आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट लिए गए हैं, उनको आप जब टेस्ट हो गया उसके बाद आकर के देखिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा फुल टू आंसर तक लेकर के आइए, उसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप एग्जाम में लगाइए, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस घर भी कीजिए, लेकिन जब आप उसे एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी सब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन करिए। और अपना सिलेबस कंप्लीट करने का एक बहाना भी मिल जाता है अपने को, क्योंकि ना बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, पर एनालिसिस इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपका अगर कुछ एक दो टॉपिक छूटे हुए हैं तो वो एनालिसिस के टाइम पर आपका कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। एक और चीज जो एनालिसिस का पार्ट ही है वो ये है कि आपको इजी मीडियम डिफिकल्टी टैगिंग भी करनी है आपको पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। अगर वो नहीं करी तो फिर आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में शर्तिया कर लेने थे। तो बच्चों, ये 4-5 मिस्टेक्स हैं, ये आप अवॉइड कर सकते हैं, आराम से अवॉइड की जा सकती हैं। कम प्रेशर से स्टार्ट करिए आप अपनी प्रिपरेशन को और धीरे धीरे थोड़ा सा स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। और इंजॉय करिए ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, योर लाइफ इज यू शुड इंजॉय द प्रोसेस, यू शुड इंजॉय द जर्नी। वो एक दिन है जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर वो 2 साल है जब आप अपनी जो जर्नी है उसको आप यू नो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एंजॉयमेंट ऑफ 2 ईयर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम पे इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।